नंदी महाराज की बड़ी सी मूर्ति है, और रावण ने गुस्सा जो रावण को गुस्सा आया था तो उसने जो है इस पूरी माउंटेन है इसको दो भागों में इस बांट दिया, अपनी तलवार से काट दिया था इस पहाड़ को। और इस साइड है कोनेश्वरम भगवान, और उस साइड जो है जो कैलाश पर्वत से जो शिवलिंग जो रावण लेके आए थे वो वहाँ पे स्थित है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ जो है, आप देख सकते हैं किस तरह से दो भागों में जो है बट चुका है। इस बीच का नाम है डच बे बीच नाम है, और आप देख सकते हैं यहाँ बोटिंग का आनंद के लेने के लिए लोग जो है बोट लेकर उधर फिशिंग करने के लिए गए हैं। वो दिखाई दे रहा है जो मछली जो पकड़ा जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ की जो बोट है कैसी है। और यहाँ पे है व्हाट इज नेम दिस पिती, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको गांव में इसको ये बोलते हैं कटिया बोलते हैं बंसी बोलते हैं। यहाँ पे लोग जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए, आप देख सकते हैं एक बोट पे कितने लोग हैं। वो पानी आया तीन पर्सन जा रहे हैं एक बोट पे, दो पर्सन जा रहे हैं और इंग्लिश तमिल नो मालूम। इस बीच पे जो सुबह का जो नज़ारा है 5 बजे का, जब सूर्य जो 5 बजे के बाद का जो जब सूर्य जो निकलता है तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ तो सुबह में जो था कि पूरा भीड़ लग गया था और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ की। आप देख सकते हैं बोट, ज़्यादातर बोट बहुत सैकड़ों बोट हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग मछलियों पकड़ने का काम जो बंसी अपने होता है हमारे गांव में बंसी, उससे मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। कितनी मछली पकड़ने जाते हैं डेली कितना पकड़ लेते हैं? 2000 किलो 2000 किलो डेली मछली पकड़ते हैं। 1 किलो का 600 है ना? 600 है। और ये मैडम बैठी हैं, इनका जो है सैलरी श्रीलंकन मनी में 20,000 रुपया है। ये आप देख सकते हैं बीच के तरफ बीच है, और इसी साइड में ये जो हिरन है आप देख सकते हैं हिरन पूरे चल रहे हैं, कितने सारे हिरन हैं। और ये कुछ हमला हमला भी नहीं करते हैं सब, ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जगह है। आप देख सकते हैं मैं पहली बार इतना बोला, इतना जू में जाने के बाद भी नहीं देख पाया था इतना करीब से। ये है यहाँ का बीच, और यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। अमेनो 1675 में इसको बनाया गया है, और आप देख सकते हैं ये लोगों की जो आर्मी कैंप भी है इसके अंदर, यहाँ पे तोप भी है, और उनका सो वीडियो जो है बैन है इसके लिए आर्मी का जो वीडियो है वो नहीं। सो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी हर हर महादेव जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आ चुका हूँ कोनेश्वरम टेम्पल श्रीलंका की धरती पे, और यहाँ रावण कैलाश पर्वत से जो शिवलिंग लेके आया था वो यहीं पे रखा हुआ है इसी मंदिर में, और कोनेश्वरम टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे तीनों लोकों के स्वामी शिव और तीनों वेदों के ज्ञानी रावण का पूजा होता है इस मंदिर में। मैं जो शाम को 6:30 बजे जो है बस पकड़ा था, 49 नंबर जो बस मिलता है कोलंबो से त्रिंकोमल्ली के लिए, और वहाँ से आपको थोड़ा 2 किलोमीटर जो बस स्टैंड है त्रिंकोमल्ली, वहाँ से आप 2 किलोमीटर पैदल चल के आएंगे तो वहाँ पर बीच उस दिखाई देगा, वहाँ से आप त्रिंकोमल्ली आ सकते हैं। और हम लोग अभी चल रहे हैं जो यहाँ जो रावण ने जो पूरे एक पहले एक पहाड़ था यहाँ पे और उसको अलग कर दिया, वो मैं अब दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे कुछ दोस्त जो है मिले हैं, हाय फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम लोग हिरन को पकड़ लिए हैं, हिरन बारहसिंगा है, और आप देख सकते हैं कितना शांत बैठा है। और यहाँ पे बहुत सारे हिरन डियर्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं त्रिंकोमल्ली में। ये है त्रिंकोनेश्वर भगवान, और इनके सामने है नंदी जी की मूर्ति, आप देख सकते हैं नंदी जी और शिवलिंग भी है। और मैं और आगे जाने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ एक और नंदी जी हैं।
यहाँ नंदी भगवान और शिवलिंग की स्थापना 2013 में हुआ था और ये करीबन 3 बजे के मुहूर्त में स्थापित हुआ है। अब देख सकते हैं और भी आगे जाने वाले हैं और हम लोग चल रहे हैं। जो रावण की जो यहाँ पे मूर्ति है श्रीलंका में, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे भी हैं कोनेश्वरम भगवान और जहाँ रावण की जो प्रतिमा है, तीनों वेदों के ज्ञानी रावण उनकी जो मूर्ति है यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और देख सकते हैं रावण की मूर्ति और पीछे जो समुद्र दिखाई दे रहा है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन है। और यहाँ पे जो हैं शिव जी, गणेश जी और कार्तिकेय और माता पार्वती, अब देख सकते हैं यहाँ पे। और क्या है, यहाँ पे भी है गणेश जी की मूर्ति, आप देख सकते हैं। और थोड़ा आगे जा रहे, ये इंडियन ओशन है, देख सकते हैं कितना करीब से, कितना हाई भी है ये इंडियन ओशन। और अपना इंडिया की मूर्ति है, भगवान शिव जो शिवलिंग पे बैठे हुए हैं और यमराज की मूर्ति है, आप देख सकते हैं। ये यमराज जी हैं और शिव जी। यहाँ भी पालना बांधा गया है, पालना जो झूला होता है वो यहाँ पे चढ़ाया जाता है, अब देख सकते हैं। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे जो है लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं। यह हिंदू टेम्पल है और यहाँ बहुत ही ज़्यादा लोग जो है दिन के सैकड़ों में आते रहते हैं यहाँ पे। और अब देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है पूरा चट्टान पे जो है उपस्थित है, जहाँ रावण अब भगवान शिव की पूजा किया करते थे और उनकी आराधना किया करते थे। यहाँ कोनेश्वरम भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद जो है पक रहा है, उन लोग जो मन्नत जो लोग मानते हैं यहाँ भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए, वो यहाँ पे आते हैं और जो है खीर और कुछ चने चढ़ाए जाते हैं कोनेश्वरम भगवान को। यहाँ आप मन्नत के लिए नारियल भी चढ़ा सकते हैं, पूजा करने के बाद नारियल जो है यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और आप देख सकते हैं कुछ ये बांधे गए हैं धागे और कुछ पालने भी बांधे गए हैं, ताकि मन्नत को जो लोग यहाँ आके अपनी मन्नत को मानते हैं उनकी मन्नत पूरा होती है, तो ये चढ़ावा चढ़ाते हैं यहाँ पे। और जो हैं ये कोनेश्वरम भगवान हैं, जो उनके जो एक हाथ में वो डियर्स दिखाई दे रहे हैं हिरन, तो यहाँ के जो है पहाड़ी है वहाँ पे बहुत सारे जो डियर्स हैं मौजूद। और एक हाथ में जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है वो फरसा है परशुराम भगवान का, नंदी महाराज की बड़ी सी मूर्ति है। और जाने वाले जहाँ रावण ने रावण को गुस्सा आया था तो उसने जो है इस पूरी माउंटेन है इसको 2 भागों में इस बांट दिया, अपनी तलवार से काट दिया था इस पहाड़ को। और इस साइड है कोनेश्वरम भगवान और उस साइड जो है जो कैलाश पर्वत से जो शिवलिंग जो रावण लेके आए थे वो वहाँ पर स्थित है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ जो है, आप देख सकते हैं किस तरह से 2 भागों में जो है बढ़ चुका है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप जो है भगवान शिव का जो है त्रिशूल है यहाँ पे। और यहाँ पे जो शिवलिंग रावण जो कैलाश पर्वत से जो शिवलिंग लेके आया था वो ये है। और यहाँ पे हैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, अब देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर हैं रावण, अब देख सकते हैं रावण हाथ जोड़े, रावण जो है तीनों वेदों के ज्ञानी रावण। ये मंदिर में चढ़ाए जाने वाले जो हैं प्रसाद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है केला, नारियल और सेब और संतरे, अमरूद कोनेश्वरम भगवान को चढ़ते हैं। और हम लोग चल रहे हैं और बीच के तरफ। यहाँ आप शंख भी खरीद सकते हैं, जो शंख है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने शंख, कितने डिजाइन के शंख यहाँ पे मिलते हैं, देख सकते हैं। चाबी का रिंग भी है और बहुत कुछ मिलेगा यहाँ। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।